जनपद बलिया से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। लाखों लाठियों की तड़तड़ाहट के बीच सिद्ध संत श्रीनाथ बाबा रोड पूजन संपन्न। ऐतिहासिक रोड पूजा में नहीं पहुंचे सांसद, विधायक, मंत्री, सत्ता पक्ष के। उत्तर प्रदेश बलिया जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर रसा तहसील क्षेत्र स्थित नगपुरा टीका देवरी श्रीनाथ मंदिर पर आयोजित मंगलवार को ऐतिहासिक रोड पूजन समारोह में लाखों भक्तों के जयघोष नारे और गगनवेदी जयकारों के साथ लाठियों की तड़तड़ाहट के बीच सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान लाखों से अधिक श्रीनाथ भक्त श्रद्धालुओं के समवेत पूजन से सांप्रदायिक सद्भाव की अनुपम मिसाल प्रस्तुत देखने को मिली। परंपराओं के अनुसार सर्वप्रथम सवेरे श्रीनाथ बाबा के समकालीन नगपुरा टीका देवरी सूफी संत रोशन बाबा के दरगाह के साथ साथ रसा नागपुर पटना खेजूरी टीका देवरी नागपुरा स्थित सभी मठों पर विधि विधान से पूजा की और रोट चढ़ाया गया। इस अवसर पर मेला कमेटी के अध्यक्ष सुनील सिंह के अलावा विशिष्ट जनों संघ सभी समुदाय के लोगों ने भक्ति भावनाओं से पूजा अर्चना की। रोट पूजन के महाकुंभ में लाखों भक्त भक्ति भावनाओं के साथ लाठी बनाटी वास्ते मल युद्ध का दृश्य प्रस्तुत करते हुए श्रीनाथ मठ पर अपने शौर्य का सभी भक्तों ने प्रदर्शन किया। 200 वर्षों पुरानी परंपरा को सभी वर्गों ने निभाया। 2024 में कंसो पटना में पूजा होने की घोषणा महेंद्र कौशलेंद्र गिरी ने की। इस मौके पर विधायक उमा शंकर सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी, महेंद्र कौशलेंद्र गिरी आदि ही लोग दिखे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद व विधायकों का गृह जनपद बलिया क्षेत्र होने के बावजूद भी इस विशाल रोड पूजन के महाकुंभ में कोई नहीं पहुँचा, लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। आज हम बलिया जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर टीका देवी नगपुरा में आए हैं और आज हमारे बलिया की बेटी जो है दिल्ली में पढ़ती है। आज काफी तादाद में जो केवल एक पूजा देखने के लिए, हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा जो है पूजा होता है लठ पूजा, विश्व में कहीं ऐसी पूजा नहीं देखने को मिलेगी आपको कि जहाँ लाठियों की पूजा होती है। आज लाखों भक्त जो है 14 कोस परिक्रमा से चल के और आज आए हुए हैं और हमारे साथ आज कुछ बेटियां जो है आज कुछ देश को बताना चाहती हैं। जैसे PM नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पढ़ो बेटी पढ़े बेटी, आज कुछ बेटियां भी इस पूजा के बारे में कहना चाहती है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं और बेटियां बताती है क्या कहना चाहेगी। देखिए, हमारे यहाँ पे जो पूजा मनाई जाती है, यहाँ पे नगपुरा, टीकादरी और खेजुरी में जो है ऐसे पांच जगह जो है हिंदू समुदाय के जो सिंगर जो थे बाबा सिद्धार्थ अपने जो है थे उसी का हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भी मान्यता है कि आज पहली बार जो है 300 क्विंटल का प्रसाद बनाया गया है। आधुनिक युग, डिजिटल युग में जो है उसको थ्रेसर से तोड़ा जाता है, लेकिन इस बार पहली बार जो है आधुनिक मशीन से जो है 300 रोट का प्रसाद तैयार किया जाता है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या नया चीज है इस प्रसाद में? व्यक्ति को खरोच तक नहीं जाता है। यदि नाथ जी की आस्था
होते हैं जो कि यहाँ से यूपी बिहार यहाँ तक बिहार से छपरा से भी लोग काफी लोग प्रसाद चढ़ाने आए हुए हम अभी अभी उनको देखे हैं। गाजीपुर से आए, आजमगढ़ से आए, गोरखपुर से आए हैं, देवरिया से, तमाम जगहों से जो है लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं आस्था में लाठी के और उसके बाद प्रसाद लेके अपने घर चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश समाचार एडवेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट टूना शर्मा के साथ की खास रिपोर्ट।